ठाकरे गटाचे नेते विनोद घोसाळकर यांचे चिरंजीव अभिषेक घोसाळकर यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आलेली आहे आणि आरोपी मॉरिसनं जे पिस्तूल वापरलं ते अमरेंद्र मिश्रा यांची सध्या पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे. गुन्हे शाखेचं पथक मिश्रा यांची चौकशी करते. आज पहाटेपासून त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन चौकशीला सुरुवात केलेली आहे. मात्र मिश्रा नेमके कोण आहेत आणि मॉरिसकडे ते कशा पद्धतीने कामाला लागले यासंदर्भातली सगळी माहिती आपण घेणार आहोत. त्यांच्या पत्नी सोनू मिश्रा आपल्यासोबत आहेत. अमरेंद्र मिश्रा कब से उनके पास काम करते थे और कैसे पहचान हुई थी उनके साथ? सर, एक सिक्योरिटी कंपनी जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं उन्होंने उनके पास भेजा था, मॉरिस जी के पास. और वो 19 दिसंबर को गए थे, इंटरव्यू वगैरह लिया और सारी चीज़ उनसे पूछी कि हाँ मिश्रा जी आपका लाइसेंस ही, बोले हाँ ठीक है. उसके बाद बोले ठीक है आप दो दिन बाद आइए. फिर मॉरिस ने उनको 22 तारीख को बुलाया, जिस दिन मॉरिस का बर्थडे था वो गए मिले बोले. और 26 दिसंबर से मेरे हस्बैंड उसके पास काम पर लग गए और मॉरिस ने ये कंडीशन रखा था कि आपको पिस्टल लॉकर में जमा करना होगा. तो काम की तो जरूरत सब सबको है सर, आप जानते हैं. हर दिन पिस्टल लॉकर में जमा करना होगा उनके ऑफिस में? जी, उसने कहा कि हर दिन पिस्टल लॉकर में जमा करना होगा. हमारे ऑफिस में चाबी एक ही रहेगी जो मिश्रा जी आपके पास रहेगी. तो हमको या हमारे पति को तो ये पता नहीं था कि चाबी एक ही है और क्या है कैसे है सर. इनोसेंट है मेरे हस्बैंड हर हालत से, जॉब पे लगे. 31 तारीख तक उन्होंने उनके पास जॉब किया. उसके बाद फिर हमारे गांव में इमरजेंसी, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई तो हम लोग वहां गए थे. फिर 17 जनवरी को वापस आए हुए हैं. फिर दो दिन मेरे हस्बैंड वहां नहीं गए. फिर 21 जनवरी को मेरे हस्बैंड वहां पर मॉरिस भाई के पास काम पर गए हुए हैं. फिर उनकी कंडीशन यही थी कि आपको पिस्टल यहाँ पर जमा करना होगा. तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है. हमको तो कोई पता नहीं था उनके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है. हम लोग तो इनोसेंट है, हमको तो पता नहीं, काम करना है, अपना घर चलाना है, बस यही बात हुई. अब कल जो हुआ सर, जो वारदात कल हुई शाम को 4 बजे, मॉरिस ने मेहुल नाम के अपने आदमी के साथ मेरे पति को हॉस्पिटल भेज दिया. आप चाहे तो हॉस्पिटल का CCTV भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. वहाँ मेरे हस्बैंड गए, स्पॉट पे भी मेरे हस्बैंड थे नहीं. तो इसलिए मेरे हस्बैंड का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. तो मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस से, प्लीज़ आप लोग एकदम ध्यान से अच्छे से, मैं मानती हूँ दो लोगों की जान गई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, किसी के भी हो जाए नुकसान, मैं भी मानती हूँ हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, पर प्लीज़ आप किसी बेकसूर को मत फंसाइए. मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं उनको लेकर कहाँ जाऊँगी. तो प्लीज़ आप लोग मीडिया वाले हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जो सच्चाई उसको लाइए. मेरे पति की इसमें कोई गलती नहीं है, अब विश्वास कीजिए. उनको कुछ भी नहीं पता था इस बारे में, बस मैं यही कहना चाहूँगी प्लीज़. पिछले 2 महीने की बातें जो भी आप बता रही हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मॉरिस ने जानबूझकर मिश्रा जी को फंसाया उनकी पिस्तौल इस्तेमाल करने के लिए इस घटना में? हो भी सकता है, क्योंकि ना मुझे पता था, मेरे हस्बैंड भी सीधे साधे, हम भी सीधे साधे यूपी से बिलोंग करते हैं, हमको कमाना खाना, हो भी सकता है. अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता हो सकता है मैं काम करे. तो इसी तरीके से मॉरिस के माइंड में क्या चल रहा था ये तो मेरे पति को नहीं पता था. तो अब जो होना था सर, हादसा तो हो गया है. बट आप अच्छे से, यही चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी पुलिस से, मीडिया से, CM सर से बोलूँगी, सर जो सच्चाई उसको सामने लाइए. बेवजह इसमें जो इन्वॉल्व है उसको सामने लाइए प्लीज़. मेरे पति को बेकसूर, उनको कुछ भी नहीं पता था. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको किसी तरीके से जो भी सच है आप लोग सामने लाइए प्लीज़. कल रात ये वारदात हुई, लेकिन इससे पहले मिश्रा जी कल दिन भर क्या कर रहे थे, कब उनको मिलने गए, कब उनके ऑफिस में गए और क्या क्या हुआ? सर, वो दिन भर घर में ही रहते हैं. घर से 1 से 1.5 बजे के बीच खाना खा के निकलते हैं. मैं भी जॉब पर जाती हूँ, पर कल मुझे फीवर था, मैं जॉब पे नहीं गई थी. मेरे हस्बैंड घर से 1.5 बजे निकले हैं, 2:30 बजे मॉरिस के ऑफिस पहुँचे हैं. मेरे पास कॉल है, मैंने मेरे हस्बैंड को 2:30 बजे फ़ोन किया, आप पहुँच गए? बोले हाँ हम पहुँच गए. और वो रात को 9:30-9 बजे घर आ जाते हैं. 5 से 6 घंटे वहाँ रहते हैं मॉरिस के ऑफिस में. उस वक्त मॉरिस अपने ऑफिस में नहीं होता है, सिर्फ मेरे हस्बैंड वहाँ होते हैं. कल रात वो घर आए थे? हाँ बिल्कुल. कितने बजे आए थे? 10 बजे मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया कि कहाँ. मैंने बोला घर पर है. बोले मैं घर आया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है. घर आने के बाद उन्होंने मुझे पूरी बात बताई, वो घर पर ही थे. आप सोचिए, अगर मैं और मेरे हस्बैंड गलत होते तो हम खुद पुलिस के पास क्यों जाते 3 बजे? हम भागते नहीं, हम फरार नहीं होते. मतलब आप खुद पुलिस के पास? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास पुलिस का फ़ोन आया. मैंने खुद लाइसेंस का फ़ोटो मेरे अपने फ़ोन से मैंने पुलिस के नंबर पर व्हाट्सअप किया है. मैंने खुद पुलिस से बात की. मैं खुद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अपने पति को लेकर पुलिस के पास गई हूँ और मैं आ नहीं रही, तो पुलिस ने मुझे खुद घर छुड़वाया है. तो अगर हम लोग गलत होते, हमारा कोई प्री प्लान होता, मॉरिस के साथ मिले होते, तो हम पति को अपने भगा देते ना. खुद से तो पुलिस स्टेशन नहीं आते सर, आप लोग सोचिए.
जब घटना घटी तब मिश्रा ये उनके ऑफिस में नहीं थे, मेहुल जी के साथ वो कहीं और गए थे, हॉस्पिटल गए थे। मेहुल की मदर बीमार थी तो मेहुल के साथ उनकी मदर को देखने हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल से वो करीब 7:30 बजे के आसपास आए थे वो, हाँ, ऑफिस के बाहर। फिर मेरे पति ने देखा कि ऑफिस बाहर कुछ हंगामा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं करते, उनको चक्कर आने लगा, वो घर चले आए। कितने बजे उनको पता चला कि फायरिंग हो चुकी है और उनकी गन शायद इस घटना में इस्तेमाल की गई होगी, ऐसा उनको लगा था? क्या आपसे उनकी बात हुई उस बारे में? नहीं सर, रात तक तो हमारी कोई बात नहीं हुई। 10 बजे जब उन्होंने फ़ोन किया, घर आए, तब तक भी उनको नहीं पता था, उनको शक था, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी पिस्टल के सिवा तो और कुछ भी लॉकर में रखा नहीं था, तो हो ना हो मेरी ही गन इस्तेमाल की गई है। पुलिस का फोन आने के बाद आपको पता चला कि आपकी गन उस इंसिडेंट में इस्तेमाल की गई है? जी बिल्कुल, जब 3 बजे रात पुलिस का कॉल मुझे आया मेरे हस्बैंड को, तब हमको पता चला कि हमारी गन इस्तेमाल की गई है। तो रात के 3 बजे से आपके पति पुलिस की कस्टडी में है, उनकी पूछताछ चल रही है, पुलिस ने क्या कुछ आपको कहा है या फिर आपके पति से मिलने दिया है क्या? बिल्कुल नहीं, एक मिनट के लिए भी। मेरा बेटा सर दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, हॉस्पिटलाइज हो चुका है पापा के बारे में सुनकर, मेरा 18 साल का बेटा, बेटी मेरी बेहोश घर पे पड़ी है, ये सारी चीज़ें। मुझे एक सेकंड के लिए मेरे पति से मिलने नहीं, एक मिनट में उनको देख तो सकती हूँ, क्रिमिनल तो है नहीं मेरे पति, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, उनको दिखाए क्यों नहीं? जो क्रिमिनल है सर आप उनकी जाँच कीजिए, मेरे पति बेकसूर, प्लीज़ मुझे एक बार उनसे मिलने दिया जाए। जो भी इंसिडेंट आप बता रही हैं, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि आपके पति को इसमें सब इस पूरे घटना में फंसाया गया है, जानबूझकर उनका पिस्टल इस घटना को यूज़ करने के लिए 2 महीने पहले ही आपके पति को अप्रोच किया गया, उनको काम दिया गया, पिस्टल ऑफिस के लॉकर में रखा जाएगा, ऐसी कंडीशन डाली, तो आप इस सभी घटनाओं को किस तरह से देखती हैं? सर इन सब चीज़ों से मैं और मेरे पति बिल्कुल अंदाज, हो सकता है आप जो बोल रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सही हो, पर हम दोनों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और 101% मेरे पति को फंसाया गया है, उन लोगों की प्री प्लान हो क्या हो नहीं पता हम लोगों को, हम दोनों को कुछ भी इस बारे में नहीं पता। एक आखिरी सवाल मेरा, किस तरह की न्याय की मांग आप पुलिस से कर रही हैं, सीएम से कर रही हैं, और क्या आपकी मांग रहेगी? सर देखिए, डेफिनेटली 2 लोगों की जान तो गई है, उनकी 2 फैमिली बर्बाद हुई है, तो मैं चाहती हूँ मेरे भी बच्चे हर चीज़ मेरे पति को विश्वास मानिए, अगर हम लोग गलत होते तो हम लोग भाग जाते, पुलिस के पास खुद से नहीं आते, तो खुद से आए, हमको न्याय चाहिए, प्लीज़ इसको अच्छे से जांच कीजिए, मेरे पति की इसमें कोई गलती नहीं, इसके पीछे सीएम सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्या है कौन है नहीं है, प्लीज़ आप अच्छे से जांच कीजिए, किसी बेकसूर को आप बिल्कुल सजा मत दिलाई। की सोनी मिश्रा अपने सोबत होते आणि पोलिसांनी सध्या ताब्यात घेऊन जी चौकशीला सुरुवात केलेली आहे, ज्यांची पिस्तूल या सगळ्या घटनेमध्ये गोळीबारासाठी वापरण्यात आलेली होती, मॉरिसने ती वापरलेली होती, त्या अमरेंद्र मिश्रा यांच्या त्या पत्नी आहेत। सध्या अमरेंद्र मिश्रा हे पोलिसांच्या ताब्यामध्ये आहेत, त्यांची चौकशी केली जाते, मात्र जो काही घटनाक्रम त्यांनी आपल्याला सांगितला की डिसेंबरच्या 18 तारखेला पहिल्यांदा मिश्रा यांना संपर्क केला जातो, नोकरीचं का आमिष दिलं जातं आणि त्यांची पिस्टल, सगळ्यात महत्त्वाचं, मॉरिसनं ती पिस्टल आपल्या घरातल्या ऑफिसमधल्या लॉकरमध्ये ठेवावी लागेल अशी एक अट मिश्रा यांच्याकडे घातलेली होती, मात्र हाताला काम नाही आणि त्यामुळेच मिश्रा यांनी ती पिस्टल त्याच्या ऑफिसमध्ये ठेवण्याला तयारी दर्शवलेली होती। आणि अगदी हा सगळा घटनाक्रम जर पाहिला किंवा त्याच्या अटी शर्ती जर पाहिल्या तर अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्येचा प्रयत्न हा आधीपासून करण्यात आलेला होता आणि त्यासाठी लायसन्स असलेल्या एका रिव्हॉल्वरची गरज ही मॉरिसला होती आणि त्यासाठीच त्याने मिश्रा यांना आपल्याकडे काम दिलं आणि ती अट ठेवून पिस्टल जे आहे ते स्वतःच्या कस्टडीमध्ये ठेवलं आणि म्हणून या सगळ्या प्रकरणामध्ये त्या पिस्टलचा वापर केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते। त्यामुळे पोलीस या सगळ्या प्रकरणामध्ये कशा पद्धतीने तपास करतात आणि काय काय चौकशी करतात हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। ओरिजिनल सिद्धेश नाईक सोबत कृष्णा सोनारवाडकर, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।